नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्पमित्र आकाश जाधव यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं वागुंडे खुर्द नाम से गांव है, पारनेर तालुका, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र। तो शरद गंगाधर पवार, इन्होंने हमें कॉल किया था। तो इनके खेत तालाब में लगभग 3 सांप थे, तो एक सांप उसमें से मर गया है, क्योंकि हमें बहुत देर बाद पता चला। तो दोस्तों, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मेरे साथ शुभम कांबळे, मयूर शिंदे और कैमरामैन अतुल पाखरे। तो वीडियो में बने रहिए। चलो, खाली गेले वरतन वर तुकडे येते ते बांबू लावला होता, पण बांबूनी पण वरती येते ना मित्र जे हा शेत काले एकानी बेलकुळी जिडेली होती, तो मोठा होता, त्याला आहे ना पाणी पण वरती आला ना, त्याला दावेने ओढून काढलं। आणि हे दोन जे आहेत ना, ते तुला डबल काय टाकलं, काय तर स्वस्त राहिले बरे। दोन आहेत का एक आता? काठी उचललं होतं त्याला का? हां, पाणी खाली होतं, रात्री आलंय, दोन बोर चालू असतात ना, काठी उचलो आता पण। तो इसमें दो रसल स्वाइपर हैं। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम है, रसल स्वाइपर सांप जो है जोड़ी में निकलते हैं और ज़्यादा तादाद में खेत तालाब में गिरते हैं सांप। ये खेत तालाब आखिर क्या होता है? हमारे महाराष्ट्र में जो ऐसे खेत तालाब आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, खेतों के लिए पानी देने के लिए बनाया जाता है ये खेत तालाब। धूप के मौसम में पानी यूज़ किया जाता है खेतों के लिए। तो ये नया खेत तालाब बांधा है और इसमें 3 सांप गिरे थे, एक कल ही मर गया, उन्होंने लकड़ी से निकाल लिया हमारा हुआ सांप। तो जो मेलेला काढला तो असाच होता का? हाँ, असाच होता, पण मोठा होता याच्यापेक्षा। अच्छा, जो मरा हुआ सांप था वो इसी प्रजाति का था, ऐसा ही था, बड़ा था वो। तो चलिए दोस्तों, हम इसको निकालते हैं बाहर। रसल स्वाइपर सांप एक ऐसा सांप है जो पकड़ने में बहुत ज़्यादा टफ और सबसे सभी सांपों में सबसे ज़्यादा खतरनाक। चलिए, बड़ी आसानी से इसको हाथ लगाइए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सांप किस तरह होता है। रसल स्वाइपर शरीर पर आपको इसको गोलाकार ऐसे धब्बे दिखाई देंगे चैन की तरह, और शायद ये आप देख सकते हैं मुंह से पानी निकल रहा है कब जैसा। तो देखिए, और कुछ दिन ये पानी में रहता तो मर जाता। देखिए, काटने का प्रयास कर रहा है। नाम फिर एक बार बता रहा हूँ, इंग्लिश में रसल स्वाइपर स्नेक, हिंदी में चित्ती, महाराष्ट्र में इसे घोनस इस नाम से जानते हैं। दिखने में अजगर जैसा दिखता है, लेकिन अजगर नहीं, ये जहरीला सांप है। सांप भी कोऑपरेट कर रहा है, देखिए, वरना सांप बहुत भाग जाते हैं। इसको बाहर आना है शायद। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा रसल स्वाइपर, जैसे कि मैंने कहा, ये सांप ज़्यादातर सर्दी के मौसम में निकलते हैं और रात के समय जब मिलन करते हुए एक मादा के पीछे 2-3 नर भी हो सकते हैं, और जिसके चलते ये खेत तालाब में, कुएँ में गिर जाते हैं। तो महाराष्ट्र में इस तरह खेत तालाब आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लगभग 20% किसानों के ऐसे खेत तालाब है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक गांव में आपको लगभग 100 खेत तालाब देखने को मिलेंगे, या फिर उससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं बैग में डाल रहा हूँ।
हाईली वेनमस ये सांप हीमोटॉक्सिन नाम का जहर छोड़ता है जब किसी को काटेगा, यानी इसमें हीमोटॉक्सिन नाम का जहर होता है। तो दोस्तों इसी तरह आपके खेत तालाब में कुएं में कहीं सांप हो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा खेत तालाब में दो रसल स्वाइपर सांप रेस्क्यू किए थे। इन सांपों को यहाँ पर मैं पर्यावरण में रिलीज़ कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हो सके उतना ज़्यादा कमेंट करें दोस्तों। तो देखिए आप, इन दोनों सांपों को मैंने यहाँ पर रिलीज़ किया है। अब ये सांप दोनों अपने पर्यावरण में सुरक्षित है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं।